उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मजोला थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कुंदनपुर मोहल्ले में गत दिवस दोपहर से गायब एक बुजुर्ग का शव आज उसके घर में रखे हुए एक बक्से में मिला है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी ने बॉक्स में रखा शव देखा, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बुजुर्ग महेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी के मुताबिक मामले की जांच तथा फरार चल रहे बड़े बेटे की तलाश शुरू कर दी गई है। यहां आपको बता दें कि मृतक के बड़े बेटे विक्की पर परिजन हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। मजोला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर में रहने वाले महेंद्र और उनकी पत्नी सब्जी का ठेला लगाते हैं। महेंद्र की पत्नी के मुताबिक गत दिवस सुबह महेंद्र सब्जी का ठेला लगाकर घर लौट आए थे और पोती के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान पत्नी को महेंद्र के घर पर ना होने और पोती के रोने की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने महेंद्र की तलाश शुरू कर दी। फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे बेटे को भी घर बुलाया गया और रिश्तेदारों से संपर्क कर महेंद्र के बारे में पूछताछ की गई। आज सुबह तक लापता बुजुर्ग की कोई जानकारी परिजनों को नहीं मिली, जिसके बाद परिजन खुद ही वापस आने की उम्मीद लगाए इंतजार करते रहे। दोपहर के वक्त परिजनों को घर के अंदर रखे बक्से में हाथ का पंजा निकलता दिखा, तो उसके बाद उनके होश उड़ गए। स्थानीय लोगों को बुलाकर जब परिजनों ने बक्से में रखा शव निकाला, तो उसकी पहचान लापता महेंद्र के रूप में हुई। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे बंटू को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, जबकि बड़ा बेटा गत दिवस से ही फरार है। परिजनों के मुताबिक मृतक के बड़े बेटे विक्की की परिजनों से नहीं बनती थी और वह अक्सर घर में झगड़ा करता रहता था। परिजन विक्की पर बुजुर्ग की हत्या कर शव बक्से में छुपाने का शक जता रहे हैं। एसपी सिटी के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। मेरा भागवती नाम। भागवती जी, क्या हुआ बताइए, कैसे पता चला? सवेरे नाच कल मेरा ठेला लगवाया इन्होंने जी, तो मैं तो ठेला बेचने चली गई। छोटी बहू भूख रही, तो हम दोनों आदमी मिलकर बेच कर रहे। अब छोटी बहू लॉकडाउन में पीआर में फंसी पड़ी है और छोटा बेटा कल फर्म को चला गया। मैंने रोटी बना के दे दी, बड़ी बहू जो कोठियों पर काम करने चली गई। घर में कोई ना, छोटी पोती है 2 साल की और दोनों दादा पोती है। तो मैं आकर जब पोता जो खेल के आया, इतना बड़ा पोता आएगा बड़े बारे का लौंडा बिक्की का, वो नु कह रही आके वो अम्मा जन बाबा कहाँ को चले गए के बाबा ना लल्ली इकली रो रही है। मैं बोली बेटा मेरे धोरे को लिया लल्ली को क्या काय को रो रही है, क्या पता ना बाबा कहाँ को चले गए। मैंने सोची हो सके 2-3 महीने से पीना खाना न करा, बात वो मैं कुछ चले गए मैं कभी, तो मन के आ जाएंगे कहीं फंस गए होंगे लॉकडाउन में। रात लौंडे ने छोटे वाले ने फर्म से आकर सब में फोन घुमाए, रिश्तेदारों ने सब ने मना कर दी, कहीं पे भी ना मिली। सवेरे फिर कह रही मम्मी अब क्या करूँ, मन की लल्ला कहीं होंगे आ जाएंगे, तू काम पे जा। मेरा बेटा काम पे चला गया, जब मैं घर में गई घुसे तो मैंने देखा तो कपड़ों में थोड़ा सा पंजा दिखाई दिया पैर का, तो मैंने कपड़े फतोरे सहरे तो देखे तो उसमें गुड़मुड़िया पड़े बक्से के अंदर थे, बक्से के अंदर पड़े। जब मैंने जोर मचाया खिल्ली निकल गई मेरी। तो पता चला क्या किसने मतलब इस तरीके बक्से में गए, तो कैसे क्या लगा? लगा पहले कुछ ना दिखाई दिया, बाहर को खींच के हमने निकाल लिए। घर में वैसे कोई ना, बड़ा लौंडा ही आया होता है, उसका दिमाग चल गया 2-3 साल से, 4 साल हो गए बहुत दिमाग चल गया उसका। क्या नाम है? विक्की। और कोई ना यहाँ पे वही होगा तो। अच्छा, बड़े वाले बेटे ने हो सकता है, शक कर रहा है। और किसी से हमारा दुश्मन आई नहीं है, झगड़ा नहीं है। अच्छा। हम तो कन्ने खाने में रहे, 1-1 किलो लाना खाना, बताओ हम किससे झगड़ा करेंगे। हमारा किसी से झगड़ा ना, ना कोई दुश्मन आई है, इकले आराम से रहना। नरेंद्र नाम था इनका, महेंद्र। उम्र क्या रही लगभग? 60 साल करीब। कितने बच्चे हैं इनके? 2 ही बेटे हैं, दोनों बहू हैं। विक्की और? विक्की बड़ा बेटा है, बंटू छोटा बेटा है। बंटू। बहू का नाम है? बड़ी बहू का मिथिलेश नाम है, छोटी बहू का विनीता नाम है। एक पोते का पवन नाम है, विक्की का बेटा है। और छोटे वाले बेटे के 2 बेटी 1 बेटा है, उसका विवेक नाम। क्या है, क्या
आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि मझौला थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी है। मौके पे जब पुलिस गई तो जो डेड बॉडी थी घर में ही थी। घर का जो बड़ा लड़का था वो घर से फरार है और जो मृत आदमी उस पिता है, तो इसमें जानकारी की जा रही है, मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तारी की जाएगी। क्या काम है? अभी ये विवेचना का इशू है, विवेचना की जा रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बॉडी ये मतलब सूटकेस में थी, किसने थी? क्या बॉडी जो मिली है किसने थी? ये इन्होंने अपने घर में ही बॉक्स था उसके अंदर इस व्यक्ति की बॉडी थी और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.